सिंह साहब की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुत्तों की बातें तो कर रही है, मगर अपने कुत्तों के नाम नहीं बता रही है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। भाई खड़गे जी ने कहा कि अपने कुत्तों, तुम्हारे किसी कुत्ते ने भी बलिदान दिया, तो बताते ही नहीं हमारे इतने कुत्तों ने बलिदान दिया, नहीं बता रहे आप, तो क्यों नहीं बता रहे? उसका पीछे कारण है कि खड़गे जी पे हमला करना जो उनकी दलित है वो तो ठीक है ही, लेकिन अब खड़गे जी कर्नाटक की अस्मिता का भी सवाल है। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी खड़गे जी के ऊपर हमलावर होती है तो कर्नाटक पे हमला कर रही है, कर्नाटक की अस्मिता पे हमला कर रही है, जहां थोड़े दिनों बाद चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी की जान तो आफत में है ही, और सुभद्रा कुमारी चौहान की राजीव की पंक्तियां हैं कि बूढ़े भारत में भी प्यारी नई जवानी थी। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे किताबों में और खूब जोर जोर से उसको गाया करते थे। तो बूढ़े भारत में जवानी जो है मुझे लगता है फिर से आ रही है। खड़गे जी आज जिस तरीके से बोल रहे थे तो बूढ़ी हड्डियों में जो था वो जवानी का संचार होता हुआ दिख रहा था, वो कांग्रेस की बूढ़ी जवानी जी थी वो दिख रही थी खड़गे जी में। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने ही पिच पे सेल्फ गोल करती हुई नजर आ रही थी। जब खड़गे जी ने कहा चेतावनी देते हुए कि भाई जो मैंने बाहर बोला अगर मैं यहाँ बोलूंगा तो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो कोई जवाब नहीं था, हल्ला तो बहुत मचाते रहे। तो देखिए यही है कि जिस तरीके से आपने बताया था कि हरियाणा तो वैसे भी इनका गया हुआ है, हरियाणा में तो उन्होंने गाली खा के सरकार बनाई है। भाई जितनी गालियां जो हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, जो प्रधानमंत्री बता रहे थे गुजरात में जाकर के कि मुझे इतने किलो गालियां रोज दी जाती हैं, उन जो 2 किलो गालियां उनमें से 1.5 किलो गालियां तो अकेले दुष्यंत चौटाला ने दी थी हरियाणा के चुनाव में, आधा किलो गालियां तो जो मोदी जी को है वो किसी और ने तमाम सारे दल ने मिल जाकर दी होंगी, लेकिन मोदी जी अमित शाह जी को 1.5 किलो गाली 2 किलो गालियों में से वो अकेले दुष्यंत चौटाला ने दी थी। और आप सरकार बनाई वहां अभी तक बनाए हुए हैं आप, क्योंकि आपको सरकार पे आ रही है, आपको गालियां तो आप पचा लेते हैं, चूंकि आप बता चुके हैं कि गालियां पचा लेते हैं। तो अगर आप गालियां खा के भी सरकार बनाना चाहते हैं और आप बनाते ही रहते हैं, मतलब आपके लिए गाली खाना कोई इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, सरकार बनाना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण विषय। आम आदमी जो होता है उसके लिए अगर कोई गाली दे दे तो उसके मतलब रात को उसको नींद नहीं आती है, मुझको इस व्यक्ति ने गाली दे दी, और आप सोचते हैं कि मुझे गाली दे दी अब सरकार बनाने में काम भी आएगा। आप देखिए सारा इतिहास उठा करके देख लीजिए इनका, जिसने गाली दी उसके साथ ही आके जाके समझौता कर देते हैं। तो ये इनका अपना एक तरीके का मसला है कुल मिलाकर के राजीव जी। लेकिन ये देखिए इसीलिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कांग्रेस अब पिच तैयार कर रही है, और जैसा जयराम रमेश ने कहा था अभी पिछले दिनों कि पहले भारतीय जनता पार्टी पिच तैयार करती थी, विपक्ष उस पर खेलता था, आज हम जो मुद्दे तैयार करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी उसमें मजबूर होती है। तो आज मजबूर हो रही है भारतीय जनता पार्टी। खड़गे जी जब कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के लोगों ने बलिदान दिया इस देश की एकता अखंडता के लिए, आपके किसी कुत्ते ने भी बलिदान दिया, तो आप मजबूर हो रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं परोक्ष रूप से कि कांग्रेस ने बलिदान दिया। आप भले ही नाम लेना चाहें, नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप जो है परोक्ष रूप से आप स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश के लिए बलिदान दिया, यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बनती चली आ रही है। राहुल गांधी जब चीन पे सवाल उठाते हैं तो चीन पे चर्चा ना करनी पड़े तो आप जो है बिलावल भुट्टो तो कुत्तों पे आगे चर्चा करने लग जाते हैं कि चीन के मसले पर कहीं सवाल का जवाब नहीं देना पड़े। तो ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां बनती जा रही है, और निश्चित तौर पर राजीव जी जैसे जैसे आगे समय आएगा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। चूंकि गुजरात में जिस तरीके से चुनाव जीता गया है, जेपी सिंह साहब जो सवाल उठा रहे थे, हम लोग उस पर लगातार गुजरात चुनाव के बाद मतलब हर दिन जो है लगभग उस पर 5-10 मिनट हम लोग उस पर चर्चा कर ही लेते हैं कि किस तरीके से वहाँ जो है गुजरात में चुनाव जीता गया और किस तरीके से उसके परिणाम हैं, उन पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर वो सब बातें खुल के कहने लग जाएं तो मुझे लगता है बहुत से व्यवस्था के संकट उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन वो फिर लंबी बहस का विषय हो जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी जो हैं वो दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुजरात का चुनाव किस तरीके से जीता गया है, जो चीज़ें गुजरात में हुई हैं वो चीज़ें अन्य राज्यों में नहीं हो सकती हैं, आने वाले समय में संकट उत्पन्न होंगे। अगर फेयर एंड फाइन इलेक्शंस होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में दिक्कतें तो हैं ही, और उसी के साथ जो 2024 के लिए भी एक पिच तैयार होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी जो पूरी तरीके से हार रहे हैं, लेकिन संकट में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर है, ये संकट कम नहीं होने वाला राजीव जी, आगे आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, प्रेम कुमार जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं।